Number 50. A, B, C, D were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:3:2:2. The following was the balance sheet. आपके पास balance sheet given है. अब यहाँ पे क्या है? It was decided to dissolve the firm. अब decide किया गया कि firm को dissolve किया जाएगा. And B was appointed to realize the assets and pay the creditors. अब B को appoint किया गया कि वो assets को realize करेगा और creditors को pay करेगा. He was entitled to receive 5% commission on the amounts finally paid to other partners including loan. अब उसको क्या मिलेगी? 5% commission मिलेगी किस amount पे? He will receive 5% commission on the amount finally paid to other partners. जितना other partners को pay किया जाएगा plus जितना अगर कोई loan भी होगा किसी partner का उसको भी add करके उसको क्या दी जाएगी? Commission दी जाएगी. He was to bear the expenses of realization which was amount to 500. अब B ने realization expenses को bear करना है. अब B जो है realization expenses को bear कर रहा है तो यहाँ पे हम ये assume करते हैं कि जो realization की expenses है वो एक तरह हम B को commission pay कर रहे हैं, हम उसी में उस चीज़ को pay out कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको realization account में show नहीं करेंगे. Next is the assets realized are, assets कितने realized हुए? 54,000. Creditors were paid in full. In addition, a sum of 5,000 were paid to staff on retrenchment in full settlement of their claim. 5,000 pay किया गया staff को for the retrenchment. अब यहाँ पे given है D become insolvent and partners accepted 7,400 from its estate in settlement. D जो है वो insolvent हो गया और उससे हमने कितना receive किया? 7,400. अब क्या? अब देखो. Applying the Gardner versus Murray, prepare the necessary ledger account. अब इसमें given है आपको क्या apply करना है? Gardner versus Murray rule. Gardner versus Murray rule क्या कहता है? कि जो deficiency होगी insolvent partner की, वो bear करेंगे solvent partner in their capital ratio, plus जो realization का loss है, वो किसमें लेकर आएंगे solvent partner? Cash में. अब जैसे पीछे हमारे पास ऐसा कुछ given नहीं था, तो हमने India वाले rule को follow किया. India वाले rule में क्या होता है? Deficiency जो है वो capital ratio में लेके आते हैं partners, but रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लेके आना रिक्वायर्ड नहीं है. इस वजह से इलस्ट्रेशन नंबर 14 में जो रियलाइजेशन का लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स जो है वो कैश में लेकर नहीं आए. क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्या किया? एसेट्स को ट्रांसफर किया, लाइबिलिटीज को पे आउट किया, ये तो अब आप कर लोगे. अरे ये कुछ एक रिट्रेंचमेंट हमने दी है, वो आप लिख दोगे टू बैंक अकाउंट. आपने कितना पे कर दिया? 5,000 पे कर दिया, बिकॉज ये क्या है? आपकी अनरिकॉर्डेड बेसिकली लाइबिलिटी है जो आपको अब देनी है, तो आपने ये लिख दिया. ठीक है, उसके बाद वही प्रॉपर प्रोसीजर जो हमने पीछे फॉलो किया वो फॉलो करके आप बैलेंस फाइंड आउट करोगे. बैलेंस के बाद, बैलेंस फाइंड आउट करने के बाद आप उसको ट्रांसफर कर दोगे ए बी सी एंड डी में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पार्टनर्स, अगर किसी के पार्टनर का लोन है तो वो आपने ट्रांसफर करना है. तो यहाँ पे ए का लोन गिवन है हमारे पास 20,000. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है कि जो कैपिटल है, मतलब जो बी है, उसको अपॉइंट किया गया एसेट्स को रियलाइज करने के लिए, तो ही वॉज एंटाइटेड टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द अमाउंट ऑफ फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स इंक्लूडिंग लोन. मतलब बी को कमीशन मिलेगी जितना भी दूसरे पार्टनर्स को पे किया जाएगा प्लस लोन, जितना भी अमाउंट होगा उस पर उसको कमीशन रिसीव होगी. तो इस कमीशन को फाइंड आउट करने के लिए जो ये लोन अकाउंट हमें गिवन है 20,000 का, वो हम किस में ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में, ताकि हमारे जो ए है उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ सके जिसपे हम कमीशन कैलकुलेट कर सके. ठीक है, अब इस दैट मीन्स अब यहाँ पे हम लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपने बैलेंस ट्रांसफर किया. ए और बी का बैलेंस कितना गिवन है? 40,000 एंड 30,000. सी और डी का बैलेंस गिवन है हमारे पास अनफेवरेबल 12,000 और 32,000, वो ट्रांसफर कर दिया आपने. नेक्स्ट लोन अकाउंट, मैंने आपको बताया कि लोन अकाउंट आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया बिकॉज हमें कमीशन फाइंड आउट करनी है बैलेंस पे. लॉस रियलाइजेशन का हमने ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं गार्नर वर्सेज मुर्रे रूल. तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो लेकर आएंगे अपने लॉस को इन कैश, तो बाय बैंक अकाउंट ए लेकर आएगा 7,200 और बी लेकर आएगा 7,200, बिकॉज यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? ए और बी. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? अब दूसरी, अब यहां तक हो गया. उसके बाद ये मेंशन है डी बिकम इंसॉल्वेंट. अब डी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट. और उस कितना वो दे पा रहा है अपनी स्टेट से? 7,400 हम उससे रिसीव कर सकते हैं. अब सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि डी की डेफिशिएंसी कितनी है. डी की डेफिशिएंसी है 36,800. ठीक है, अब वो कितना पे कर पा रहा है? 7,400. यानी कितना रह गया उसका? 29,400.
29,400 की डेफिशिएंसी है। अब ये डी जो है वो सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट है, तो इनसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी कौन फुलफिल करता है? सॉल्वेंट पार्टनर। किस रेशियो में? इन देयर कैपिटल रेशियो। जो 29,400 है वो कौन बियर करेगा, कौन इस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा? डी की डेफिशिएंसी आई है वो कितनी आई है? 29,400। अभी जो डेफिशिएंसी है वो कौन जो इसको कवर करेगा? ए और बी। किस रेशियो में? इन देयर कैपिटल रेशियो। ए और बी की कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगी? ए की कैपिटल गिवन है 40,000 और बी की कैपिटल गिवन है 30,000, तो रेशियो क्या होगी? 4:3। यानी इसका 4/7 पार्ट कौन देगा? ए देगा। और 3/7 पार्ट कौन देगा? बी देगा। ए का कितना आ गया अमाउंट? 16,800 ए देगा और 12,600 कौन कंट्रीब्यूट करेगा? बी करेगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अभी देखो, बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना दे दिया इन्हें, पहले तो हमने रिकवर कर लिया 7,400, उसकी एंट्री हो जाएगी। बाय बैंक अकाउंट 7,400 रिकवर्ड। बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना हमने ए से रिसीव कर लिया? 16,800। और बी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा? 12,600। तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट कितना हो गया? 12,600। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमने कंट्रीब्यूट किया है ए और बी ने, वो उनके अकाउंट में से सेटल कर लेंगे। तो 2D's कैपिटल, डी की वजह से हमने ए से कितना ले लिया? 16,800 उसके कैपिटल में से, और बी से 12,600। तो हमने ये ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम? बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमने बैलेंस फाइंड आउट किया, तो ए का आया 43,200, बी का आया 17,400। ठीक है, बैलेंस आ गया। और सी का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस आ रहा है, दैट इज 16,800। तो मतलब सी को 16,800 जो है वो लेकर आना पड़ेगा। अब सी इंसॉल्वेंट नहीं है, तो सी जो है वो अपना अमाउंट लेकर आएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बाय बैंक अकाउंट 16,800। ठीक है, अब हमें कमीशन कैलकुलेट करनी है। कमीशन को कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले तो आप ए और बी का बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे। ए और बी का बैलेंस कितना है? ए का बैलेंस है 43,200 और बी का बैलेंस है 17,400। अब हमने किया था कि जो बी है उसको कमीशन मिलेगी किस पर? बी हैज टू एंटाइटल टू रिसीव कमीशन ऑफ 5% ऑन द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स। अब अदर पार्टनर्स किसको पे कर रहे हैं हम? किसका बैलेंस आया? सिर्फ ए का बैलेंस आया, मतलब ए का जितना भी बैलेंस होगा उस पर उसको कमीशन मिलेगी कितनी? 5% की। अब ए का बैलेंस कितना है? 43,200, बट वहां पे गिवन है फाइनली जितना हमने पे किया है। तो ए का बैलेंस तो है 43,200, बट वो रियलाइजेशन का लॉस भी लेकर आया था कितना? 7,200। तो फाइनली उसको पे कितना किया गया? 36,000। ठीक है, तो अब कमीशन कितने पे मिलेगी बी को? 36,000 पे, और कितनी? 5%। अभी देखो, ये जो कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग ऑल द थिंग्स है, आफ्टर चार्जिंग ऑल द लाइबिलिटीज, सब लाइबिलिटीज को चार्ज करने के बाद ये कमीशन है। तो इसलिए इसमें आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 5/105, बिकॉज जैसे मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग नहीं होता था, वैसे ही यहाँ पे हमने सारी लाइबिलिटीज को चार्ज करके कमीशन फाइंड आउट की है। इसलिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5/105, दैट इज इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया, इसमें इसको ट्रांसफर कर दिया, इससे मतलब ए के कैपिटल अकाउंट से निकाल के हमने यहाँ पे कमीशन दे दी इसको 17,400। और अब ये हमने बी टू बीस कैपिटल कितना आ जाएगा? 17,400, और बैलेंस निकाला और पे आउट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कैश अकाउंट बनाना। कैश अकाउंट कैसे बनाओगे? बैलेंस डाला, सारे इनफ्लोज और इनफ्लोज आपने डेबिट किए और सारे आउटफ्लोज आपने क्रेडिट किए, ये आपका डन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन नंबर 16। ए बी सी एंड डी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, वो कैसे शेयर कर रहे हैं? 3:3:2:2 रिस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट आपके पास गिवन है, उसमें क्रेडिटर्स, ए लोन्स, बैंक बैलेंस, ये सब आपके पास गिवन है। नेक्स्ट ईयर द फर्म वॉज डिजोल्व एंड बी वॉज अपॉइंटेड टू रिलाइज द एसेट। फर्म डिजोल्व होगी और बी को अपॉइंट किया गया कि वो एसेट्स को रिलाइज करे और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करे। और ही वॉज एंटाइटेड टू रिसीव 5% कमीशन, उसको 5% कमीशन मिलेगी किस पे? फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स एज कैपिटल, एंड उसको एक्सपेंसिस भी है जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसिस को भी पेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो बियर कर रहा है एक्सपेंसेस रियलाइजेशन को, तो हम ये सोचेंगे कमीशन में ही एडिट है। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि ये रियलाइजेशन अकाउंट में अब नहीं आएगा। द एसेट्स रियलाइज गिवन है आपके पास। देयर वॉज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 30,000, जिसकी सरेंडर वैल्यू है 3,000, मतलब हम उसको अब उस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पे कितना रिसीव कर सकते हैं? 3,000। एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन जो है वो 500 गिवन है, बट हम ये नोट डाउन नहीं करेंगे अपने रियलाइजेशन में। सी बिकम इंसॉल्वेंट बट 3,700 वर रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट।
ठीक है, सी इंसॉल्वेंट हो गया बट उससे हमने कितना रिकवर किया, 3700। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक ऑफ द फॉर्म। अब नेसेसरी अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे ही एसेट्स ट्रांसफर किया आपने, सन्ड्री एसेट 16,600 गिवन है वो आपने ट्रांसफर किए। प्रोविजन अलग से हम ट्रांसफर करते हैं तो हमने प्रोविजन अलग से ट्रांसफर कर दिया, स्टॉक को ट्रांसफर कर दिया, फर्नीचर मशीनरी, ठीक है, कैपिटल अकाउंट को आप ट्रांसफर नहीं करते तो एसेट्स ट्रांसफर होगी। लाइबिलिटीज़ में आपने क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर दिया, फिर आपने जैसे जो भी सारे एसेट्स गिवन थे उनको रिलाइज कर दिया। इसमें आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को भी इंक्लूड कर दिया बिकॉज वहाँ से भी आपको पैसा रिलाइज होगा। डेटर्स को पे आउट, जो क्रेडिटर्स हैं उसको पे आउट कर दिया, ठीक है, और फिर ऐसे ही जैसे हम पहले करते थे सारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट बैलेंस निकाला और देखा लॉस आया और उसको ए बी सी डी में ट्रांसफर कर दिया। अब ठीक है, अब हमने प्रिपेयर कर लिया रियलाइजेशन अकाउंट, नेक्स्टली हम क्या प्रिपेयर करते हैं, लोन अकाउंट, ठीक है। बट पिछले क्वेश्चन में हमने लोन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया था, क्यों, बिकॉज जो पिछले क्वेश्चन में कमीशन गिवन थी ना वो किस पे गिवन थी, 5% कमीशन ऑन द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स इंक्लूडिंग लोन। मतलब कमीशन के लिए आपको लोन भी इंक्लूड करना था और तब कमीशन को फाइंड आउट करना था, इसलिए फिर हमने लोन को ना कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया था ताकि हम उस पर कमीशन निकाल सकें। बट अब इस क्वेश्चन में जो 5% कमीशन है वो ऑन द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें ए लोन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की नीड नहीं है। मतलब हम इस केस में ये कर सकते हैं कि हम एज लोन अकाउंट बनाएं, देन कैपिटल अकाउंट बनाएं और कैश अकाउंट बनाएं, ठीक है। बट अब इस क्वेश्चन में इस चीज को कैसे कर रखा है, इस क्वेश्चन अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है तो ऐसे नहीं, अगर आप जैसे इसमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है बट जब वो ए की कमीशन निकाल रहे हैं ना तो वो इस 10,000 को लेस भी कर रहे हैं फिर कमीशन निकाल रहे हैं। मतलब एक बार आपने लोन को ऐड कर दिया एक तरह और एक बार उसको लेस कर दिया तो वो निल इफेक्ट हो गया। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप लोन अकाउंट यहां पे ट्रांसफर ही मत करो तो जो भी बैलेंस आएगा उस पर आप कमीशन फाइंड आउट कर लोगे नॉर्मली, या फिर अगर आप इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको वो लोन अकाउंट जब कमीशन निकालोगे तो वो लेस करना पड़ेगा 10,000, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसको मैं ट्रांसफर कर रखा है बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अलग से लोन अकाउंट बना रखा है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास कि दोनों ऑप्शन में से आप कुछ कोई भी ऑप्शन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लोन अकाउंट को ट्रांसफर नहीं भी करोगे तब भी वो ठीक हो जाएगा, क्लियर है। बाकी रेस्ट जो क्वेश्चन है वो आपका सिमिलर है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, वैसे ही आपको सारा कुछ ट्रांसफर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।